So good afternoon dear students, I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the guest paper of chemistry for BSc 4th semester Colchester University. Before discussing the guest paper, once again I request all of you kindly subscribe as well as share this channel. जो आपका सिलेबस है बहुत लंबा है, बहुत चौड़ा है, सो इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए गए हैं. दिस गेस्ट पेपर इज फ्रेम्ड बाय डॉक्टर आतिल, सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम आई विल कम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आपका है केमिस्ट्री बीएससी फोर्थ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसमें से है, क्वेश्चन नंबर वन जो आ जाएगा दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आना चाहिए आप लोगों को. इसके साथ आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़नी है, वैलेंस बॉन्ड पढ़नी है थोड़ा बहुत, ठीक है, इन पे फोकस करना है. लेकिन इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE, ठीक है, इस पे फोकस करना है आप लोगों को, CFSE पे फोकस करना है. इसके साथ साथ कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा इसमें दैट इज इसके साथ आ जाएगा स्टीरियो केमिस्ट्री एंड आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड आइसोमेरिज्म. स्टीरियो केमिस्ट्री पे भी फोकस करना है आप लोगों को, आइसोमेरिज्म पे भी फोकस करना है, ठीक है ना. चलिए इसके अलावा क्या आ जाएगा दैट इज हीमोग्लोबिन क्लोरोफिल, ठीक है, हीमोग्लोबिन आ सकता है, क्लोरोफिल आ सकता है और एसेंशियल मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम, एसेंशियल मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम इन पे फोकस करना है, ठीक है ना, ये भी आ सकता है. सो कमिंग टू फर्दर, देखेंगे फर्दर कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है इसमें. दैट इज सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, ये आ जाएगा कन्फर्म, लॉ ऑफ मास एक्शन इस पर फोकस करना है, मास एक्शन क्या हो सकता है, ठीक है ना. आपको पता है फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, बैकवर्ड रिएक्शन होती है, वहाँ से इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट भी निकालती हो, यहाँ लॉ ऑफ मास एक्शन लगा सकती हो. क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इक्वेशन इस पे फोकस करना है आप लोगों को, ठीक है. क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, गिब्स फेज रूल, गिब्स फेज रूल, फिर उसके बाद वन कंपोनेंट सिस्टम, वन कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है ना, ये भी आ जाएगा गिब्स फेज रूल, वन कंपोनेंट सिस्टम. इसके साथ क्या आ जाएगा दैट इज सिंपल यूटेटिक सॉल्वेंट्स, सिंपल यूटेटिक सॉल्वेंट्स एंड एजोट्रॉप्स, एंड एजोट्रॉप्स इस पर फोकस करना है. वो थोड़ा बहुत जो आपका होता है टर्म, टर्म पे थोड़ा बहुत फोकस करना है, टर्म क्या होता है, ठीक है, इसमें से इतना. चलेंगे हम अब ऑर्गेनिक पोर्शन पे, ऑर्गेनिक पोर्शन में हम देखेंगे क्या क्या आ सकता है. ऑर्गेनिक पोर्शन में आपका डायरेक्ट आ जाए क्वेश्चन बेसिसिटी ऑफ अमाइनस, बेसिसिटी ऑफ अमाइनस बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है. प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइनस सबसे ज़्यादा कौन बेसिक होता है, इसके साथ साथ आ जाएगा गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है ना, इन पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है. इसके साथ साथ और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है दैट इज एजो कपलिंग, एजो कपलिंग क्या होता है, एजो कपलिंग इस पे फोकस करना है, ठीक है ना. एजो कपलिंग का इसमें कौन से हम कैटलिस्ट्स लेते हैं तो एजो कपलिंग हम करते हैं, ठीक है. इसके अलावा आपका आ जाएगा फिशर एंड नेपलेंस की सिंथेसिस, सिंथेसिस, ठीक है ना, हो गया ये वाला पार्ट. अब चलेंगे हम हिटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पे, वहां से कौन सा क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है. हिटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आपका आ जाएगा बेसिसिटी ऑफ
बेसिसिटी ऑफ पायरोल फ्यूरेन एंड थायोफीन, इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, एंड पायरोलिडीन एंड पिपरिडीन पे भी फोकस करना है आप लोगों को, पायरोलिडीन एंड पिपरिडीन, ठीक है ना। हो गया ये वाला पार्ट खत्म, चलिए ठीक है हम कंटिन्यू करेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्टिविटी, इस पे भी फोकस करना है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, इस पे भी फोकस करना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोरान बोरन अप्रोक्सीमेशन या ओपन एयर अप्रोक्सीमेशन, इस पे भी फोकस करना है, एंड रिजिड रोटर, ठीक है ना, रोटर, इस पे भी बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिजिड रोटर भी, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन इस पे भी फोकस करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज इंटेंसिटी एंड एनर्जी ऑफ रोटेशनल लेवल्स, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, एनर्जी एंड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल लेवल्स, ठीक है ना, इस पे भी फोकस करना है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनता है दैट इज सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर SHO, ठीक है, सिलेक्शन रूल पे देखना है, सिलेक्शन रूल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा, पहले भी आ गया अब भी आ गया, ठीक है ना, रोटेशनल स्पेक्ट्रा पे फोकस करना है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे और सिलेक्शन रूल्स पे भी थोड़ा बहुत आपको तवज्जो देना है, क्योंकि जब आपने SHO निकाला तो सिलेक्शन रूल कंपलसरी है, ठीक है ना। चलेंगे फर्दर, फर्दर है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वो ऑलरेडी आ गया आपका। इसके अलावा फिंगर प्रिंट रीजन, एक होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन, दूसरा है फिंगर प्रिंट रीजन, आपको पता होगा इसकी रेंज कहां से होती है, 1600 से कहां तक, ठीक है ना, कहां तक होती है, 1600 से 700 तक मान सकते हो आप सेंटीमीटर इनवर्स, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है उसमें 4000 से 1650 या 16 तक ले सकते हो आप, दैट इज फंक्शनल ग्रुप रीजन, उसमें कम पिक्स होते हैं, हमारे फिंगर प्रिंट रीजन में ज्यादा पिक्स होते हैं, क्योंकि हर किसी इंसान के अलग अलग फिंगर प्रिंट्स होते हैं, अगर सारा चीज सेम होगा लेकिन फिंगर प्रिंट विल बी डिफरेंट, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें है दैट इज इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एब्जॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ता है, इंडक्टिव इफेक्ट, इसके अलावा आप ले सकते हो रेजोनेंस भी या मेसोमेरिक इफेक्ट भी, रेजोनेंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन और स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है। फिर आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के एब्जॉर्प्शन दिखाने हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, ये आपको पता होगा, यहाँ से ही आपको कन्फर्म होगा, अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ लगाओगे ना, इसके बगल में रखोगे कोई डोनेटिंग ग्रुप, तो आपको पता है डोनेटिंग ग्रुप से कम होता है, विड्रॉइंग ग्रुप से बढ़ता है, वो आप लोगों को पता है, अल्कोहल्स पे देखना है, एल्डिहाइड्स पे दिखाना है, अल्कीनस और अल्काइनस पे, अल्कीनस एंड अल्काइनस, ठीक है ना, खत्म। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द गेस्ट पेपर फॉर फोर्थ सेमिस्टर स्टूडेंट्स, होपफुली यू विल गेट एनफ मार्क्स फ्रॉम दिस वेरी गेस्ट, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, जबरदस्त कोऑपरेशन रहा।